तो दोस्तों यहां पे मैं बताना चाहता हूं कि मेरी जो बुक है, सेकेंड जो मेरी बुक है एसर टेलीकॉम की मोबाइल सॉफ्टवेयर बुक, ये लॉन्च हो चुकी है। पहले आपने देखा होगा इसका लॉन्चिंग का वीडियो मैंने डाला था, जो कि एक प्रीमियर जैसा था, कि मैंने इसको बोला था कि ये 2-3 दिन हफ्ते में ये आ जाएगी। बहुत सारे मेरे स्टूडेंट हैं जो ये बुक को चाहते हैं और ये बुक को परचेस करना चाहते हैं। तो दोस्तों अगर आपको इस बुक को परचेस करना है तो नीचे आपको लिंक मिल जाएगी, आप उस लिंक को जाके बाय कर सकते हैं। बाकी दोस्तों आप सिर्फ गूगल पे डालिए देवतन अग्रवाल, तो आपको मेरी बुक की लिंक मिल जाएगी। तो दोस्तों आप से मेरा नाम जाके गूगल पे लिखिए तो आपको मेरी बुक का लिंक मिल जाएगा। बाकी अगर आपको एक बुक का लिंक लेना है तो आप इस वीडियो के नीचे इस डिस्क्रिप्शन में जाके इस बुक का लिंक ले सकते हैं। आप इसको अमेजोन से परचेस कर सकते हैं, आप इसको फ्लिपकार्ट से परचेस कर सकते हैं, उसके अलावा भी बहुत सारी वेबसाइट है आप इसको परचेस कर सकते हैं। डायरेक्ट वेबसाइट मैंने आपको नीचे लिंक में दे दी है। दोस्तों इसको परचेस कीजिए, अपने सॉफ्टवेयर का ज्ञान बढ़ाइए, इसमें बहुत कुछ मिल जाएगा जो कि शायद ही आपको किसी इंस्टीट्यूट में भी सीखने को ना मिला हो। इसी तरह वीडियो देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू वेरी मच। अपने सेक्शन हुआ भी नहीं है, सेक्शन का हुआ है क्या अपना? फिर भी स्पीकर में अगर मैं बोलता हूँ तुमसे कि किसी भी फोन का नीचे की बॉटम कनेक्टर टूटा हो, वहाँ तो कर देंगे सर अच्छी तरीके से। हाँ सर, B2B केबल टूटा हो, ICU के आसपास के कंपोनेंट से तुम स्पीकर बजा दोगे? ये तो नहीं, आपको प्रैक्टिकल किया है यहाँ। बताओ, मैं मोबाइल में कुछ लाके डिफरेंट करना चाहता था, जो एडवांस लेवल का हो, वो नहीं, वो तो IC लगाने वाले वो बैठे हैं, वो नहीं, कुछ डिफरेंट जो फर्स्ट फाइंडिंग आती है वो मेरे से मोबाइल वापस ना जाए शॉप से, ऐसी तो यहाँ पर आपको मिला। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन है और अभी नंबर वन बनने वाले स्टूडेंट कौन है? थैंक यू वेरी मच। इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन है? तो दोस्तों नमस्कार, मेरे साथ में इसे टेलीकॉम के स्टूडेंट, आपका नाम बताओ? मेरा नाम बलजीत सिंह, मैं लुधियाना पंजाब से हूँ। बलजीत, मैं एशिया टेलीकॉम से ट्रेनिंग लेने आया हूँ। अभी मैं आपको, हमारे पास जो एक फॉल्ट आया मोबाइल में, वो हम बताएंगे क्या फॉल्ट है और उसे सॉल्व करने का बताएंगे, जो यूट्यूब पर आपको कभी नहीं मिलेगा। यूट्यूब पे नहीं मिले, कुछ नया बता रहे हैं, नया बताएंगे। अच्छा, यहाँ पे बलजीत अपने तो बताओ कि कितने दिन हो गए यहाँ पे और कौन से बैच में आए हो, कौन सा बैच चल रहा है आपका? 28 दिसंबर वाला बैच है हमारी, नौवीं क्लास है, नाइन क्लास है आपकी। नौ क्लास में आपने इसमें बहुत कुछ सीखने को मिला है आपको यहाँ पर? बहुत कुछ जो कहीं भी नहीं मैंने देखा, कहीं नहीं मिला वो यहाँ मिला है, मिला हुआ है यहाँ पर। लाग करने की जो चाहती है यही मिली, यही मिल गई है। और जो भी आज हम सेक्शन कर रहे हैं एक मोबाइल फोन में कि लाइट में या जो भी फॉल्ट जा रहा है, तो ये भी आपने यहीं पे सीखा है यहाँ पर? यहीं पर सीखा है, यहीं पे सीखा है। और सब चीज यहाँ पर प्रैक्टिकल और सब चीज आपको बताई जाती है यहाँ पर, सारे वे में प्रैक्टिकल में थ्योरी में दोनों बताई जाती है और अच्छी तरीके से बताई जाती है यहाँ पर, कि स्टूडेंट खुद अपना जाकर वो सर्किट बना लेता है। अच्छा ये बताओ कि किसी भी सर्किट को अगर हम ट्रेस कर रहे हैं यहाँ पर, तो उसके लिए सर्किट डायग्राम की जरूरत होती है क्या हमको? नहीं सर, जो आपने बताया उसके लिए तो सर्किट डायग्राम की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, कुछ जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं। तो पहले इसमें फॉल्ट बता दो कि क्या फॉल्ट आया, और फोन दिखा दो कौन सा फोन है, एक बार मॉडल बता दो। ये लावारिश अल्फा एल है, इसमें जो फॉल्ट है वो आपको तो बताऊंगा। बेसिकली ये लाइट का फॉल्ट है, इसमें लाइट की प्रॉब्लम है, लाइट नहीं आ रही। राजेश चार्जर लेके आने, मेरा सामने पड़ा हुआ है, देखिए यहाँ देखे दोस्तों, लावा दिखाई दे रहा है, ये देखो आपको लावा दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पर, ठीक है। मतलब यहाँ पे लाइट नहीं आ रही है, फोन हमारा चालू है, डिस्प्ले आ रहा है हमारा, ग्राफिक्स आ रहे हैं डिस्प्ले में। एक दोस्तों मैं आपको टूल्स के बारे में बताना चाहूंगा, जो जनरली बहुत को हम तब लोग बताते ही नहीं है, सिर्फ मतलब अपना काम दिखा देंगे, पर वो नए बच्चों को ये नहीं दिखाएंगे कि वो जो फोन बना रहे हैं वो किन किन टूल का प्रयोग करना पड़ रहा है, बताइए। पहले हम SMD लेंगे, ठीक, कंपोनेंट्स को निकालने के लिए यूज करेंगे, मल्टीमीटर लेंगे जो NC वगैरह को, मतलब ये खास मल्टीमीटर है, इसमें एक NCB का एक यहाँ पर इन्होंने यूनिट दे दिया है, अगर हम इसको NCB में सेट करेंगे तो ये हमें बता देगा कि कहीं पे अगर वोल्टेज आ रहा होगा, तो ये भी चीज, जैसे इसको कहीं पे NCB में लगा के इसको चेक कर लो, यहाँ पे इसको घुमाओ NCB में, और अच्छे से नहीं लाया मैं कल से, ठीक है। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए ये इसको अगर हम यहाँ लाएंगे तो ये हमने बाबर टूल से खरीदा हुआ है, आप भी खरीद सकते हैं, बाकी और कहीं भी मिलता है वहीं से भी खरीद सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पर जो ट्वीजर है हमारे पास, ये ट्वीजर्स, तो दोस्तों ये एक मैं स्पेशली बताना चाहूंगा, जो हमने ब्लैक वाली ट्वीजर ली है ना, ये ESD सेफ है,
होने से बचाती, जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स बेब हाथों से निकलती हैं उसको, उसकी प्रोटेक्शन के लिए ये है, ये जरूर लेना चाहिए। ये जम्पर वायर है जो हम पेस्ट ली है और माइक्रो आयरन लिया है जो, और ये स्पेशली आपको बताना चाहूंगा जो हमने हीट प्रोटेक्शन मैट लिया है, ये तो आपको जरूर लेना चाहिए क्योंकि वो कंपोनेंट्स रखने के लिए अलग अलग बने हैं। और एक ये बता, ये नीचे से जब डायरेक्ट करेंगे तो नीचे से जलेगा, ये उसे उसकी प्रोटेक्शन करता है जो हीट असेंबली से हम प्रिपेयर करते हैं। तो ये सारी चीजें एक एज अ टेक्नीशियन के पास होनी जरूरी है अगर आप ये काम कर रहे हैं तो। ठीक है, आप बताइए जैसे इसमें लाइट का फॉल्ट था तो सबसे पहले आप इसमें क्या बताना चाहेंगे? सबसे पहले हम इसकी आपको डायग्राम बनाकर दिखाएंगे जो। अच्छा ये बताओ कि अल्फा यहाँ पर मॉडल है अल्फा एल, दोस्तों आप जाओ गूगल पे और अल्फा एल का अगर आपको सर्किट डायग्राम मिल जाए तो आप मेरे को सेंड कर देना। क्या इसका सर्किट डायग्राम था हमारे पास में? नहीं नहीं था ना, तो जो आपने इसका है सर वही ड्रा करूंगा और पूरा सर्किट डायग्राम जैसा ही ड्रा करोगे। चलो ठीक है बताइए सर। ये तो है हमारा लाइट सेक्शन हो गया, ये देखिए भाई ये अपन का लाइट सेक्शन है, इसे हम डायग्राम के जरिए आपको बताएंगे। पहले आप कंप्लीट ड्रॉ कर लो उसके बाद में फिर एक्सप्लेन कर देना। ये है हमारा लाइट आईसी जो 6 पिन का होता है, एक जो बूस्ट कॉइल लगी होती है वहां, ये भैया हमने एक डायोड लगा है। जो जहां लगा होता है जो ये हमारा भाई ग्राउंड हो गया और ये एफ वी इसे फीडबैक का फीडबैक कहते हैं। हाँ इसमें भी एक रजिस्टर लगा होता है, पैरेलल में रजिस्टर लगा होता है। ठीक है, और ये हमारे ईएन सिग्नल हो गए, वेरी गुड, और ये होगी हमारी वी आउट, वेरी गुड, यहाँ वोल्टेज आउटपुट होता है, और ये हमारे हो गए वोल्टेज इन जो कॉइल से होकर वोल्टेज आउट पर जाता है। ठीक है, वहां से डायोड को जाता है, इसकी सप्लाई डायोड को जाती है। ठीक, तो ये हमारा एक आईसी का सर्किट हो गया। तो इस आईसी में कहाँ कहाँ रेजिस्टेंस आना चाहिए, कहाँ कहाँ बीप आना चाहिए ये भी बता दो। अब मतलब इसमें हम कोल्ड टेस्टिंग कर लेना कि हमारा आईसी सही है कि नहीं है। जी हम ये देखिए जो हमारा ये हम आईसी टेस्टिंग कर रहे हैं, ये हमारी एफ बी की लाइन हो गई, ये ग्राउंड दिखा रही है, ग्राउंड दिखा रही है, ये दोनों ग्राउंड हो गई। ठीक है, ये है हमारी रीडिंग आ रही है ईएन सिग्नल की है, सिग्नल की ये भी आउट हो गया, वेरी गुड, इस पे भी रीडिंग आ रही है, इस पे भी रीडिंग आ रही है, ये हमारी इनपुट लाइन हो गई, ये हमारी आउटपुट लाइन हो गई, मतलब रेजिस्टेंस तो सब पे आ रहा है, रेजिस्टेंस तो सब पे आ रहा है। तो अब क्या चेक करें? अब हम इसको हम हॉट टेस्टिंग के जरिए टेस्ट करेंगे वोल्टेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है। ठीक है, हम ईएन सिग्नल के बोर्ड तो यहाँ पर ऐसा रख देते हैं इसको, ये देखिए भाई इसमें दिखा दो, इस तरफ ऐसा रख देते हैं, ये ईएन सिग्नल है, तो मतलब ईएन सिग्नल आ रहा है तुमको, ये आ रहा है 1.8 वोल्ट जाना ना, क्योंकि तुमने फोन को ऑन कर दिया था इसमें। हाँ इसमें ऑन है। ठीक है, और ये हमारी सी आउट वी आउट सॉरी वी आउट है, तो वी आउट यहाँ पर बताओ कितना आ रहा है, यहाँ पर वी आउट नहीं आ रहा है, इस पर जीरो दिखा रहा है, वी आउट बिल्कुल ही जीरो दिखा रहा है। अच्छा, और ये रहा हमारी लाइन इन, लाइन इन भी अपनी जीरो है, जीरो है, और जो लाइन आउट है उसमें भी जीरो आ रहा है, ये मतलब इनपुट लाइन ही वोल्टेज नहीं है बना रही नहीं, है नहीं बना रही है। तो इनपुट लाइन वोल्टेज कहाँ कहाँ से आती है बस सर्किट में दिखा दो जरा ड्रॉ करके, और ये भी बता दो कि इसमें क्या क्या लगा हो सकता है और क्या क्या नहीं हो सकता है। जो हमारी इनपुट लाइन है
वो इसके लिए बी बैट से आएगी, जो बी बैट से आ सकती है और पावर आईसी दोनों से भी आ सकती है। हम बी बैट को तो आप समझ लेंगे भी सीधा कर लेंगे, पर जो पावर आईसी से आएगी उसे कैसे सॉल्व करें आप हमको ये स्पेशली बताएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और उसमें सीरीज में क्या लगा हो सकता है, बीच में सीरीज में इसमें एक कॉइल लगी हो सकती है। क्या अपने में लगी है, बार ट्रेस करो, हो सकता है अपना यही ओपन हो, और अपन अगर होगा भी तो अपन वहां से नहीं बनाएंगे, हम इसको डायरेक्ट कहीं और से बना के मतलब इसको बायपास करेंगे और आपको बताएंगे कि क्या आपको करना चाहिए, जो आपको हमारे स्टूडेंट करके दिखाएंगे दोस्तों यहाँ पर। तो हम कंटिन्यूटी आप भी सुनिएगा दोस्तों यहाँ पर। तो एक डायरेक्ट यहाँ पे आईसी में लगा लो ना, आईसी के इनपुट पे, और आसपास कंटिन्यूटी चेक करो। ये देखिए भाई, ये डायरेक्ट पर कंटिन्यूटी आ रही है इस आईसी की दोनों लाइन से। इनपुट है मतलब, ये हमारी इनपुट है और ये आउटपुट है, और ये देखिए यहाँ वोल्टेज आ रही है, यहाँ पर आ रही है, ये देखिए यहाँ हमारी ट्रेसिंग पर ये कंटिन्यूटी आ रही है। और उसका दूसरा पॉइंट यो देखिए, यो उसके बराबर दूसरा पॉइंट जो वो देखो किससे कनेक्टेड है, वो देखो सर बी बैट से कनेक्टेड है क्या, वो भी बैट से, जो बी बैट से कनेक्टेड हटा हुआ है, कौन सा कॉइल लगी हो सकती है, कॉइल लगी हो सकती है। तो अगर हम ये कॉइल को लगा दे तो हमारा लाइट का प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। अब जब हमारी जब पावर आईसी से होगी, जब हम पावर आईसी से सप्लाई सीधी आ रही हो, तब ये हम नहीं कर सकते, अब आपको स्पेशल बताएंगे हम कहां से हम बाईपास कर सकते हैं। मतलब अगर वो कॉइल नहीं लगाए हैं अगर किसी केस में, तो फिर कैसे करोगे, हम ये बता रहे हैं डायरेक्ट आईसी पर, है ना, डायरेक्ट हम किस कंपोनेंट पे कहां से जम्पर देना है ताकि आपको इनपुट वोल्टेज मिल जाए। तो इसको तुम पहले डायरेक्ट जम्पर मार के एक बार लाइट चालू करके दिखा दो, उसके बाद में समझा दो, ठीक है, ज्यादा बेस्ट रहेगा यहाँ पर, उसके बाद में फिर समझा देना कि तुमने क्या किया। पहले यहाँ पे एक बार दिखा दो आउटपुट, ये हटा लो, इनका ये हटाओ, तो यहां पर ये जब तक ये जम्पर लगा रहे हैं, लगा लो जम्पर। सो दोस्तों, एक एशिया टेलीकॉम की तरफ से हमारे राजेश सर की तरफ से एक मैसेज, दोस्तों अगर आप कॉल कर रहे हैं या कॉल कर रहे हैं और फोन उठाया नहीं जा रहा है, तो आप एक मैसेज छोड़ दीजिए ताकि बाद में हम आपको कॉल कर सकते हैं। राजेश मैसेज में क्या लिख दे बच्चे बता दो थोड़ा। मैसेज अगर आपको एडमिशन चाहिए तो आप अपना नाम एड्रेस व्हाट्सएप नंबर लिख दीजिए, अगर एडमिशन चाहिए तो आप उसके नीचे लिख दीजिए जिस बैच में चाहिए, जैसे जिस महीने की 28 तारीख को चाहिए तो आप उस 28 बैच लिख के और बोल दीजिए आप सीट आपको कंफर्म चाहिए। राजेश ये भी बता दो, जैसे कि अगर इस महीने कॉल करते तो अगले महीने की एडमिशन नहीं मिल पाती है यहाँ पर, क्योंकि देखिए क्या होता है कि यहाँ काफी दूर दूर से स्टूडेंट आते हैं और वो एक से दो महीने पहले अपनी बैच कंफर्म करा लेते हैं, अपनी सीट कंफर्म करा लेते हैं बैच में। तो आपको जब भी एडमिशन चाहिए आपको एक से दो महीने पहले ही मैसेज करके अपनी सीट रिजर्व करा लेनी है, ठीक ना। कई बार ऐसा होता है कुछ स्टूडेंट बिना कॉल किए बिना मैसेज किए डायरेक्टली आ जाते हैं, तो उसके लिए प्लीज रिक्वेस्ट है कि आप मैसेज या कॉल करके फिर आए। मतलब हाँ, मतलब पहले मैसेज कर लें, अगर क्योंकि क्या होता है बहुत सारे लोग कॉल करते हैं, हम कॉल क्यों नहीं उठा पाते हैं, कई बार बहुत बिजी रहते हैं यहाँ पर, हाँ व्यस्तता रहती है तो इसकी वजह से कॉल रिसीव नहीं हो पाता। तो आप कॉल बार बार कॉल करने से अच्छा है कि आप एक बार मैसेज कर दीजिए, हम आपको कॉल कर सकते हैं बाद में। और मैसेज में जैसे राजेंद्र ने कहा कि लिख दीजिए कि हमको एडमिशन चाहिए सर इस बैच के लिए यहाँ पर, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने एक जम्पर लगा दिया, बता दो कहाँ लगाया जम्पर। ये देखिए सर, यहाँ एक कैपेसिटर पर से जम्पर लेकर हमने यहाँ बी बैट की पॉजिटिव सप्लाई पर दिया। दिखा दो एक बार कंटिन्यूटी, दिखा दो मल्टीमीटर को पास में रखे। ये देखिए सर, ये देखिए यहाँ से ओपन था ट्रैक हमारा, अब सभी कंटिन्यूटी आ रही है इसी पर भी, ये डॉट पर भी। तो अब हम यहाँ पर वोल्टेज चेक करेंगे और देखेंगे कि हमारा लाइट आ रही है कि नहीं आ रही है। तो अब एक बार मोबाइल को ऐसी ऑन कर दो और उसके यहीं पे ऐसी ऑन कर लो, और उसके बाद में फिर पहले वोल्टेज चेक करवा दो, उसके बाद दिखा दो कि लाइट आ रही है कि नहीं आ रही है। तो अब वही जो कोल्ड टेस्टिंग कर रहे हैं, हॉट टेस्टिंग कर रहे हैं आईसी पर, वही हम आईसी पर हॉट टेस्टिंग करेंगे।
देखो इनपुट आउटपुट में हमें वोल्टेज मिला और ये देखो हमारा, ये हमारा इनपुट का वोल्टेज है ठीक, ये हमारा मिल रहा है, ये फ्लक्चुएट हो रहा है, इसकी वो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे हमारे, आपको 4 वोल्ट मिल सकता है। ये हमारा वी आउट हो गया और ई एन पे तो हमारा वोल्टेज आ ही रहा है 1.2 से 1.8। अब यहाँ पर मतलब सब जगह आउट पर भी वोल्टेज आने लगा है, वी आउट पर भी वोल्टेज आने लगा है जो कि पहले जीरो था, जीरो था। अभी इसको बैक करो और दिखाओ कि हमारा लाइट आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हमारा लाइट आ गया। सो ये हमारा इरिस लावा जो ये हमारे स्टूडेंट ने यहाँ पे बनाया, और ये ब्राइटनेस भी दिखा दो कि ब्राइटनेस कम ज्यादा हो रही है कि नहीं हो रही है यहाँ पर, इसको कम ज्यादा यहाँ पर ये देखिए दोस्तों, ये ब्राइटनेस भी इसकी कम ज्यादा हो रही है यहाँ पर, ये आपको दिख रही होगी। सो आई होप कि इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा और ये सारी चीजें आपने जो देखी यहाँ पे प्रैक्टिकल। सो यहाँ पर कैसा अनुभव मिला यहाँ पर? देखो सच बताना, यहाँ पर कोई वो नहीं है जो आप बोलोगे, आप दिल से बोल रहे हैं। यहाँ पर दिल से बताऊंगा, यहाँ कर इतना अच्छा लगा जो हमने पहले नहीं किया वो अब यहाँ सिखाया कर। अभी जो हम मैंने मोबाइल आपको रिपेयर करके दिखाया है प्रैक्टिकल ही होता, अभी हमने 3 घंटे पहले सीखा था। हाँ। वो आपको डायग्राम भी हमने बनाकर दिखाई, तो एशिया टेलीकॉम से आपको आके देखिए तो कितनी नॉलेज मिलती है। यहाँ सही बात, 3 घंटे में एक सर्किट ड्रा करके एक फॉल्ट को निकाला है। तो यहाँ पर और भी बाकी सब लड़के जो आपके बैच के हैं वो सब आप ही खुश हो क्या? हो सकता है कई लोग सोचते हैं कि आप पहले से टेक्नीशियन आदमी हो, बाकी सब लड़कों का क्या आउटपुट रहता है इसके आपके क्लास सर, के जो बाकी कुछ ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल ही नए हैं जिनको मोबाइल खोलना इसी टेलीकॉम ने सिखाया है, वो भी आके सर्किट डायग्राम बना रहे हैं, कहीं चार्जर की बना रहे हैं, कहीं ये लाइट आईसी की बना रहे हैं, स्पीकर ट्रैक बना रहे हैं। स्पीकर ट्रैकर में तुमसे पूछूं कि अगर एक स्पीकर ट्रैक में सीरीज में रजिस्टर लगे होंगे तो वो कौन से रजिस्टर होंगे? जो सीरीज में चप्पल वाले, ठीक है, वो जीरो अपने जो उनकी जो वैल्यू होगी वो जीरो ओम से लगे होंगे, जीरो ओम के फ्यूज रजिस्टर भी बोल सकते हैं, फ्यूज रजिस्टर बोलते हैं जो लगे होंगे ये ना। तो अगर मैं किसी भी कीपैड में जैसे नहीं, अगर इस मोबाइल का एक स्पीकर आईसी फाइंड आउट करना है बिना सर्किट डायग्राम के तो आपसे हो जाएगा? जी कर लेंगे, कर लेंगे आप इसका। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। और दोस्तों इसी तरह जुड़े रहे चैनल के साथ में, जैसे कि आपने देखा एक डायग्राम दिखा दो इनका जो इन्होंने बनाया था, कि इन्होंने यहाँ पर आपको ये डायग्राम भी ड्रॉ करके दिखाया, ये देखिए इन्होंने यहाँ पे आपको डायग्राम भी ड्रॉ करके दिखाया, सेम चीज यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल हॉट टेस्टिंग एंड कोल्ड टेस्टिंग करके दिखाई। तो जो चीज यहाँ पे मेरे स्टूडेंट एक्सपीरियंस लेते हैं, जो चीज मेरे यहाँ पे स्टूडेंट एक्सपीरियंस लेते हैं वही चीज आप भी एक्सपीरियंस ले सकते हैं। अगर आपको यहाँ आना है तो नीचे दिए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, जैसे कि राजेश ने बताया, अगर कॉल नहीं लग रहा तो आप एक SMS करके आप अपना जो अगले बैच का एक एडमिशन है वो अपना रिजर्व करा सकते हैं। चलिए इस चैनल से जुड़ने के लिए, इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। इसी तरह अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे वीडियो आप देख सकते हैं जैसे अभी आपने देखा यहाँ पर। अच्छा यहाँ पे एक और चीज बता दो कि हम डायोड से जंपर मार सकते थे क्या यहाँ पर? नहीं, यहाँ डायोड से जंपर नहीं लगा सकते, जो डायोड से जंपर लगाएंगे तो जो फिल्टर ने लाइट को वोल्टेज को फिल्टर करना है वो नहीं हो पाएगा। मतलब हमको हमें जंपर देना तो कैपेसिटर पर देना होगा, नहीं तो मोबाइल नहीं चलेगा। चलो ठीक है, ये यहाँ पे हमने देख लिया। दोस्तों इसी तरह अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप इसमें कमेंट कीजिए, पूछिए और लाइक कीजिए। और दोस्तों मेरे से जैसे कि मैं बोलता हूँ कि बहुत से लोग बोलते हैं सर इन्हीं का, मैं पंजाब से हूँ, इनका नंबर दे दो, इनका ये नंबर दे दो। मैं ये क्या बोलता हूँ, तुमको किसी का नंबर मिला था क्या यहाँ आने के पहले? तो तुमको कब समझ में आ गया था यहाँ पर कि ये यहाँ पर मेरे को पूरे रुकना चाहिए और यहाँ पे मुझे फीस जमा करनी चाहिए, कब समझ में आ गया था? मैंने यूट्यूब पर देखा, वीडियो देखी, अलग अलग इंस्टीट्यूट की वीडियो देखी, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, और जो मुझे एशिया टेलीकॉम से लगा वो किसी का नहीं लगा, इसलिए मैंने यही चूज किया कि एशिया टेलीकॉम से आकर ट्रेनिंग लूंगा, सीखूंगा। तो यहाँ पे पहले दिन में आकर तुमको फिर विश्वास हुआ ना कि यहाँ पर जो चीज मैंने देखी है वो चीज डेमोक्रेसी होती है? असल में डेमोक्रेसी नहीं होती, वो जो जहाँ एक्चुअली स्टडी की करवाई जाती है वो थी मतलब टोटल डेमोक्रेसी में आपने इतना सीखा जो कभी सीखा ही नहीं था। हाँ तो ये सारी चीजें हैं, तो इसलिए दोस्तों नंबर मांगने से अच्छा है यहाँ पे आओ, और आपसे पैसे तो लिए नहीं थे दो दिन में, नहीं सर, अगर आप नहीं सीखते तो जा भी सकते थे है ना। सो आप यहाँ आओ और दो दिन आप देखो तो आपको खुद पता चल जाएगा कि यहाँ पे मुझे पूरा रुकना है कि नहीं रुकना है। चलिए ठीक है, थैंक्स और जय हिंद जय भारत। मित्रों ये सरन जी नवीन बुक जो है एडवांस मोबाइल चिप लेवल रिपेयरिंग सीखिए, हे 10 टक्के लॉन्च झालेला आहे। हे तुम्हाला घ्यायचं असेल तर हे तुम्हाला ऑनलाइन भेटेल, या व्हिडिओच्या खाली तुम्हाला एक लिंक दिलेली आहे, त्या लिंकला क्लिक करा आणि तुम्हाला हे तुम्ही परचेस करता येईल। आता या बुक मध्ये तुम्हाला जे आहे ते पूर्ण डिटेल, जे तुम्ही काम करताय किंवा नाही करताय, हमारे ऐप्स डाउनलोड करने के लिए आप गूगल प्ले स्टोर में जाकर सर्च बार में एशिया टेलीकॉम सर्च करें,
एशिया टेलीकॉम लिखें और एशिया टेलीकॉम लिखने के बाद आपको हमारे मोबाइल रिपेयरिंग एप्स जिसमें सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर और भी काफी एप्स हैं जिसमें मोबाइल रिपेयरिंग वीडियो और मोबाइल रिपेयरिंग टूल्स, मोबाइल रिपेयरिंग सॉफ्टवेयर और मोबाइल रिपेयरिंग हार्डवेयर के काफी एप्स आपको मिल जाएंगे। इसको इन एप्स को अपने मोबाइल में इंस्टॉल करके लाभ उठाएं। An ISO 9001 and 2008 certified institute. Asia Telecom. Advanced Mobile Repairing Institute. Call for admission 9644139972. Download mobile free repairing Android apps. Link in description.